हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कविताज मैजिकल किचन पर। आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपने शायद ही देखी होगी, जिसे पास्ता और पिज़्ज़ा दोनों पसंद है। आज की रेसिपी उनके लिए है। तो आज मैं मैक्रोनी पिज़्ज़ा बनाने जा रही हूँ बिना ओवन के और बिना तंदूर के। आसानी से घर पर आप इसे बना सकते हैं और पिज़्ज़ा खाने के मज़े आप इसे मज़े से ले सकते हैं। तो चले फिर देर ना करते हुए हम आज मैक्रोनी पिज़्ज़ा बनाएंगे। मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, उसमें ऐड करना है हाफ कप दूध, ये गुनगुना दूध है, उसे ऐड करना है। अब इसमें ऐड करना है एक चम्मच शक्कर, ये एक चम्मच है। इच्छा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जब तक शक्कर अच्छी तरह से डिजॉल्व होना हो जाए तब तक हमें मिक्स करना है। शक्कर डालना जरूरी है क्योंकि हम इसमें ईस्ट डालने वाले हैं। ईस्ट को एक्टिव करने के लिए शक्कर की जरूरत होती है। शक्कर अच्छी तरह से डिजॉल्व हो गई है। अब इसमें ऐड करना है एक चम्मच ड्राई ईस्ट और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे हम ढककर एक 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह फूलने के लिए छोड़ेंगे ताकि ये अच्छी तरह से एक्टिव हो जाए। देखिए ईस्ट अच्छी तरह से एक्टिव हो गई है, देखिए फूल कर ये सारी ऊपर आ गई है, इसका मतलब वो अच्छी तरह से एक्टिव हो चुकी है। अगर ईस्ट नीचे ही बैठ जाए तो ये यूज ना करे डो बनाने के लिए। ये अच्छी तरह से फूल गई है तो हम इसके ऊपर अब छन्नी रखने वाले है। यहाँ मैं यूज करूंगी 1.5 कप मैदा, ये 1 कप मैदा है। के बाद और 1/2 कप और इसे अच्छी तरह से छान लेना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मिल्क पाउडर, अगर आप चाहे तो ऐड करें, नहीं तो स्किप कर दे। मिल्क पाउडर ऐड करने से डो का टेक्सचर और टेस्ट अच्छी तरह से उभर कर आता है। अब इसे हम अच्छी तरह से एक डो में बना लेंगे। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ गुनगुना पानी, हल्का से गुनगुना होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और इसे अच्छी तरह से एक सॉफ्ट डो बना लूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा ऑयल, आप बटर का भी यूज कर सकते हैं। देखिए डो मैंने अच्छी तरह से इसे गुन लिया है। अब इसके नीचे हमें डालना है 1-2 ड्रॉप ऑयल, देखिए इस तरह, और इसे इस तरह रखना है। इसे लगभग हमें ढककर 1 से 1.5 घंटे के लिए इसी तरह हमें फूलने के लिए अच्छी तरह से रखना है। देखिए हमारा डो साइज में डबल हो चुका है, देखिए इस तरह। अब इसे भी हम अच्छी तरह से गून लेंगे 1-2 मिनट के लिए, इसे अच्छी तरह से इस तरह गूनना है। देखिए ये हो गया हमारा तैयार डो। चलिए फिर पानी मैंने पहले से उबालने के लिए रख दिया है, इसमें अब मैं डालूंगी मैक्रोनी, ये लगभग 1 कप मैक्रोनी है। पानी अच्छी तरह से उबाल आ चुका था, पास्ता को लगभग 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है इसे, लगभग 70 से 80 यानी 70-80% इसे कुक करना है। देखिए पास्ता अच्छी तरह से कुक हो चुका है, इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, ये हमें पिज़्ज़ा में भी ये पकने वाला है। अब इसे हम छान लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, उसके ऊपर एक छन्नी रखी है। अब ये सारा पास्ता इसमें हमें निकाल लेना है, देखिए इस तरह। अब इसके ऊपर हम ठंडा पानी ऐड करने वाले हैं ताकि जो पास्ता की कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। देखिए हमने पानी अच्छी तरह से छान लिया है। मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है उसके अंदर। यहाँ पर मैंने लिया है जिंजर लिया है थोड़ा सा, और गार्लिक अच्छी तरह से चॉप कर लिया है, और इसे अच्छी तरह से हम थोड़ा सा पकाएंगे। अब इसमें ऐड करूंगी मैं थोड़ा सा अनियन, थोड़ा सा ही ऐड करना है, देखिए इस तरह। अब मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच टमाटो केचप, क्रीमिनेस के लिए 1 चम्मच मेयोनीज और 1 चम्मच पास्ता सॉस,
इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह। अब इस स्टेज पे मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा ऑरेगानो, एक चम्मच चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा पास्ता सीजनिंग, थोड़ा सा नमक, नमक थोड़ा सा ऐड करें ताकि हमारे ये जो सॉसेस है उसमें नमक होता है। मैंने नमक अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड करूंगी मैं ये पास्ता, सारा पास्ता ऐड करना है और इसे एक अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें ऐड करूंगी मैं थोड़ा सा चीज़, देखिए इतना, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये हो गया हमारा पास्ता तैयार। अब हम पिज़्ज़ा की तैयारी करेंगे। पिज़्ज़ा तैयार करने से पहले यहाँ पे कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा नमक अच्छी तरह से फैला लेना है नमक को, देखिए इस तरह। और आपके घर में कोई भी स्टैंड हो तो वह इस तरह रखे। देखिए इसे प्रीहीट के लिए रखना है हमें हाई फ्लेम पर कम से कम 10 मिनट के लिए। देखिए मैंने ये डो अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने लिए रख दिया था। अब इसके हम कुछ 2 से 3 हिस्से बना लेंगे, देखिए इस तरह। मैंने यहाँ पर एक ट्रे, मैंने यहाँ पे फॉइल पेपर ट्रे में लगा लिया है। एक्चुअली ये प्लेट है, घर में जो भी स्टील की प्लेट अवेलेबल होती है उस पर मैंने अच्छी तरह से फॉइल लगा लिया है। मैंने ये पिज़्ज़ा डो लिया है, अब इसके ऊपर इस तरह प्रेस करते जाना है। अगर आपको ये टेक्निक नहीं जमेगी तो आप सादा सा इसे बेल लें अच्छी तरह से, लेकिन जो कॉर्नर्स है वो थोड़े से मोटे रखें और बीच में पतला करें, पतला यानी बहुत पतला नहीं, थोड़ा सा, देखिए इस तरह। देखिए मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस अच्छी तरह से बना लिया है। अब इसे हम एक फोक की मदद से इस तरह हम इसे होल्स बनाएंगे। अब इस पर ऐड करना है ये पिज़्ज़ा सॉस और इसे अच्छी तरह से पिज़्ज़ा बेस पर इस तरह फैला लेना है। अब इस पर हम हमारी मैक्रोनी ये ऐड करनी है, इस पर ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये ज़्यादा डोई लगेगा। अब इस पर ऐड करना है हमें मोज़रेला चीज़ ढेर सारा ऐड करना है, इसमें कंजूसी नहीं करनी है बिल्कुल भी। अब इस पर ऐड करना है हमें ढेर सारी वेजेस, मैंने यहाँ पर कुछ कैप्सिकम्स यूज़ की है, थोड़े से टमाटर और थोड़े से अनियन, और मैं यहाँ पर थोड़े से पनीर के क्यूब्स भी ऐड करने वाली हूँ। आप चाहे आपको जो पसंद हो वो ऐड करें, आप मशरूम भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से ऑलिव्स, क्योंकि ये हमारा मैक्रोनी चीज़ बस पिज़्ज़ा है तो इस पर चीज़ ज़्यादा ऐड करना है। ये देखिए मैंने ये प्रोसेस चीज़ लिया है, इसे भी इस तरह ऐड करना है। चलिए फिर, अब हम हमारी कढ़ाई प्रीहीट हो चुकी है, अब इसे हम कढ़ाई में बेक करने वाले हैं। देखिए हमारी कढ़ाई अच्छी तरह से प्रीहीट हो चुकी है। अब इस पर हम ये हमारा पिज़्ज़ा प्लेट अच्छी तरह से सेट करेंगे इस तरह, और इसे लो मीडियम फ्लेम पर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हमें बेक करना है। देखिए हमें 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने ये कम से कम 15 से 20 मिनट रखे हैं। पिज़्ज़ा अच्छी तरह से बेक हो चुका है, देखिए अब इसे हम निकालेंगे। देखिए पिज़्ज़ा अच्छी तरह से बेक हो चुका है, अब इस पर ऐड करना है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा सीजनिंग के लिए थोड़ा सा ऑरेगानो, और इसे आप चाहिए जिस साइज में काट ले और इसे एंजॉय करें। आप इसे आसानी से कढ़ाई में घर पर बना सकते हैं बिना ओवन के,
बिना माइक्रोवेव के। तो आप भी इसे एंजॉय करें और मुझे कमेंट में बताएं कैसी लगी आपको, और लाइक करना ना भूले, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। बस आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।